बस मेरा जो सवाल था वही था, मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास की जब बात आती है आप कहते थे थोड़ी सिचुएशन टाइट चल रही है, समझो अमन जी अभी जेब में पैसा नहीं। अमन जी एक चीज और कहूं मैं, कोरोना काल में तो आपने राहत नहीं दी थी, आपने कहा था लोन ले लो, और लोन आदमी तब लेता है, उसकी हिम्मत तब पड़ती है जब उसको दिख रहा हो कि आने वाले दिन बेहतर होंगे तो मैं चुका लूंगा। ऑल टाइम हाई पर है पेट्रोल डीजल की कीमतें, हालांकि बजट में उसका लेना नहीं है लेकिन टैक्सेशन एक स्पष्टीकरण है सेस लगाया आपने दोनों पर। देश में हाल ही में सरकार ने 1 फरवरी को बजट पेश किया है। इस बजट से किसी वर्ग को खुशी मिली और किसी वर्ग के हाथ निराशा लगी। बजट को लेकर सियासत जारी है और इस मुद्दे पर मीडिया में डिबेट्स भी देखने को मिल रही हैं। आज हम गोदी मीडिया की वे डिबेट्स देखेंगे जिनमें बजट को लेकर सवाल सरकार के नेताओं से हुए। आज तक पर बजट के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर रोहित सरदाना ने बजट को लेकर भाजपा नेता से तीखे सवाल किए। जब भाजपा नेता सरकार की उपलब्धियों पर बात करते नजर आए तब एंकर ने उनको बीच में टोका और सरकार द्वारा किए ऐलानों पर तीखे सवाल कर दिए, जिसका नेताजी ठीक से जवाब न दे पाए। जो कस्टम ड्यूटी को खत्म किया, रैशनलाइजेशन किया एक्साइज ड्यूटी की, ताकि वो कॉम्पिटिटिव बने और उनको कॉम्पिटिटिव बनाना हमारा काम है। जफर साहब, डेफिनेशन भी चेंज किया, लेकिन हमने उनको हर बार उनको कथित राहत को जान देनी थोकनी चाहिए और जान देने की। कोरोना काल में तो आपने राहत नहीं दी थी, आपने कहा था लोन ले लो, और लोन आदमी तब लेता है, उसकी हिम्मत तब पड़ती है जब उसको दिख रहा हो कि आने वाले दिन बेहतर होंगे तो मैं चुका लूंगा। जब उसको सामने अंधेरा दिख रहा हो तो वो लोन कैसे लेगा? नहीं रहा जी, और कितने लोगों ने आपसे लोन लिया, क्या इसका डेटा सरकार ने रखा बजट में? रखा सरकार ने डेटा? रोहित भाई बिल्कुल, रोहित भाई आपको तो आपको लगता है आपको बढ़ेगा अगर लिक्विडिटी थोड़ा कैश में आपको चाहिए तो लोन ले लो, अगर आपको लगता है इक्विटी चाहिए थोड़ा सा, आपको इस बिट में पोटेंशियल है, आपको सरकार ने थोड़ा कैपिटल चाहिए तो कैपिटल ले लो। आज के बजट से आम आदमी की जिंदगी पे क्या फर्क आएगा? जिन 12 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई या जिनकी सैलरी कट गई 30% 35% पिछले 8 महीने में 9 महीने में, उनकी जिंदगी पे क्या फर्क आएगा इस बजट के बाद? बजट के मुद्दे पर जी न्यूज पर भी डिबेट देखने को मिली। इस डिबेट में बजट में मिडिल क्लास के लिए कुछ ना होने को लेकर एंकर अमन चोपड़ा भाजपा नेता गौरव भाटिया से सवाल करते नजर आए। जब गौरव सवाल को घुमाते नजर आए तब एंकर ने उन्हें बीच में टोका और इस सवाल पर जवाब देने को कहा। बहरहाल गौरव भाटिया, मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ। इस सारा बोझ आत्मनिर्भर देश आत्मनिर्भर भारत बनाने का मिडिल क्लास के कंधों पर है। बस मेरा जो सवाल था वही था, मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास की जब बात आती है आप कहते थे थोड़ी सिचुएशन टाइट चल रही है, समझो अमन जी अभी जेब में पैसा नहीं। एक चीज और कहूं मैं, आज तक पर हुई डिबेट में एंकर अंजना ने अर्थव्यवस्था को लेकर भाजपा नेता से सवाल किया। एंकर सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था पर किए ऐलानों को लेकर तीखे सवाल करती नजर आई, जिस पर नेता ठीक से जवाब भी न दे पाए। वी शेप्ड रिकवरी पर जाने से पहले, लेकिन चूंकि पेट्रोल डीजल की बात आई है, देखिए 69% पेट्रोल पर आपका टैक्सेशन है, 58% डीजल पर, अभी ऊपर से सेस भी आपने शुरू कर दिया है कृषि सेस, क्या ये ग्राहक को बेयर करना होगा? इस पर क्लैरिटी नहीं है जयंत जी, अगर आप क्लैरिटी दे सके। ऑल टाइम हाई पर है पेट्रोल डीजल की कीमतें, हालांकि बजट में उसका लेना नहीं है लेकिन टैक्सेशन एक स्पष्टीकरण है इसका, सेस लगाया आपने दोनों पर। अंजना जी मैं बिल्कुल एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो एग्री सेस है उसमें ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उनको बढ़ाए हैं। पेट्रोल डीजल में कुछ जो सेस पहले लग रहा था उसको हम लोगों ने लेकर एग्री सेस में हम लोगों ने उसको लिया है, लेकिन ग्राहकों का दाम इसके कारण बिल्कुल नहीं बढ़ा है। तो ये सेस के लिए जो पैसा जाएगा सर प्रति लीटर, एक सेकंड, एक काउंटर क्वेश्चन है जयंत जी, क्या जो ये पैसा फिर जाएगा प्रति लीटर ये कंपनियों से लेंगे? हाँ नहीं नहीं, जो पैसा अभी जा रहा है आप समझिए कि जो विश्व का जो बाजार है उसमें पेट्रोल डीजल का अगर। मीडिया में सवाल अक्सर विपक्ष से ही होते हैं पर अब सवाल भाजपा से भी होते दिखाई देने लगे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी मीडिया इस तरह से सरकार के नेताओं से सवाल करता रहे। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।